एक तो हो गए जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की, पूरे साल मौज मस्ती की, पूरे साल दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे, और लास्ट में फाइनल एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। तो चलो ये तो एक्सपेक्टेड था, पर हर साल मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने साल भर जी जान से मेहनत की, दिन रात लग के पढ़ाई की, पूरा सिलेबस तैयार, बढ़िया से रिवाइज्ड। अपने मन में वो श्योर थे कि 95% तो फोड़ देंगे, यही बोलते हो ना तुम लोग कि 95% तो फोड़ देंगे, और फिर भी फाइनल एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन डे पे एग्जामिनेशन हॉल में इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, डेफिनेटली इनकी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी नहीं रही होगी, या शायद इनके पास इतना अच्छा माइंड सेटअप ना रहा हो। तो ऐसे ही बढ़िया माइंड सेटअप, कुछ बढ़िया एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन टिप्स मिलेगी जिसको यूज करके डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स बूस्टअप होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन से एक रात पहले बढ़िया से सो के जाओ, 6-7 आवर्स की स्लीप लेकर जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं कि पिछली रात पूरी रात पढ़ते हैं, कि रात भर जगेंगे, सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए सोएंगे, अलार्म लगाएंगे, फिर भागते भागते एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, पेपर हाथ में आएगा, लिखना स्टार्ट कर, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा है। रात भर दिमाग में जो भरा था सब अंदर जाके मिक्स हो गया है, अब दिमाग कंफ्यूज हो गया है। एक स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन की रिकॉलिंग पावर 0 होती है, आप कुछ रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, अंदर सब है पर कुछ वापस आएगा ही नहीं। तो कोई भी आंसर आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाओगे, अंदर से आप फ्रेश फील नहीं करोगे, अंदर से वो एनर्जी नहीं आएगी, पूरे एग्जामिनेशन में आपको नींद आएगी, एग्जॉस्टेड होगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, एक रात पहले बढ़िया से नींद लो। स्ट्रेस में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं, यू हैव टू स्टे काम ताकि माइंड बढ़िया काम करे। पता चला आप स्ट्रेस में हो कि मेरा चैप्टर 4 में ये टॉपिक बचा है, चैप्टर 3 में ये रह गया है, मैंने ये वाली स्टोरी नहीं पढ़ी है, और एक रात पहले से या सुबह से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक सिर्फ यही सोच रहे हो पूरे टाइम कि मेरा ये छूटा है, ये छूटा है, ये छूटा है, तो अब आप स्ट्रेस में ना अपनी प्रोडक्टिविटी भी खराब कर दोगे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, सुन लो। कि एक बार एक टीचर था, वो अपनी क्लास में पहुंचा एक ग्लास में आधा पानी भर के, ग्लास आधा पानी से भरा था। नहीं नहीं वाली स्टोरी नहीं है कि ग्लास आधा भरा आधा खाली, नई स्टोरी है। तो अपने क्लास में गया, एक ग्लास में आधे ग्लास में पानी भरा था, और बच्चों से पूछा कि इसका वेट कितना है। तो सम स्टूडेंट्स है 10 ग्राम्स, किसी ने कहा 100 ग्राम्स, किसी ने कहा 250 ग्राम्स। उसने कहा नहीं, इसका वेट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इसमें कितना पानी है, इसका वेट इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको मैं कितनी देर तक अपने हाथ में पकड़ता हूँ। अगर मैं इस ग्लास को अपने हाथ में 1 मिनट पकड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको मैं 10 मिनट पकड़ूंगा हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 1 घंटा पकड़ूंगा हाथ दर्द करने लगेगा, पेन होने लगेगा, और अगर पूरे दिन पकड़ा रहा तो मेरी पूरी बॉडी परेशान हो जाएगी, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप, अपनी खुशियाँ, अपना स्पोर्ट्स, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही एक पेन रह जाएगा पूरी लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यही आपके साथ होगा अगर आप स्ट्रेस को अपने साथ रहने दोगे बहुत लंबे समय तक। यहाँ से लेके आप एग्जामिनेशन सेंटर तक यही सोच रहे हो, सुबह से एग्जामिनेशन सेंटर तक कि ये छूटा ये छूटा, तो आप जो करना चाहते थे, जो अच्छा लिखना चाहते थे, जो पढ़ा हुआ था वो भी चला जाएगा, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पापा की स्कूटर बैठ के पीछे ऐसे पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें टेंशन देती है दिमाग को, स्ट्रेस देती है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते ही दोस्त आ गए, यार तूने ये पढ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यार तूने ये पढ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आ रहा है। अरे उसने पेपर थोड़ी ना बनाया है, उसको थोड़ी ना पता है क्या आ रहा है, पेपर ऑलरेडी बन चुका है। दोस्तों के इन सब बहकावे मत आओ लास्ट में, और स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ, आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे, और लेट मत पहुंचना कभी भी, लेट पहुंचने से ऑलरेडी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, है ना। ऑलरेडी सोचो पेपर बढ़ गया, अरे यार मैं तो देर आया हूँ, पहली स्टेप पे गलती, तो टाइम पे पहुंचो। अब आप पहुंचे, आपको पेपर मिल गया, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो मेरा ये फंडा था कि मैं रीडिंग टाइम पे पेपर नहीं पढ़ता था, रीजन सुनो, 2 चीज़ें हो सकती, या तो पूरा पेपर आता है तब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, ये भी आता, अरे आज तो फोड़ देंगे, आज तो मजा आ जाएगा, और उसके बाद हड़बड़ी में, जल्दबाजी में इधर उधर गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या, मान लो मेरे को सेक्शन बी का क्वेश्चन 7th का सेकंड पार्ट नहीं आता, और मैंने स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर पढ़ लिया, मुझे पता चल गया मुझे ये नहीं आता। अब पेपर लिखते हो मेरे दिमाग में यही चल रहा है, यार वो तो नहीं आता, अरे यार वाला क्वेश्चन तो नहीं आता, यार 98 नंबर का पेपर मुझे आता है,
पर वो दो नंबर का जो नहीं आता ना, उसकी वजह से मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है पूरे टाइम, यार वो कैसे होगा, किसी से पूछ लेंगे क्या अगल बगल, बोर्ड में पकड़े गए तो गया पेपर, तो इसलिए मैं करता था। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप 15 मिनट पेपर पढ़ते भी हो तो उसका इफेक्ट आपके पेपर पे ना पड़े, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना कि जल्दबाजी में लिखना स्टार्ट कर दिए, ना ही दुखी हो जाना कि वो एक पार्ट नहीं आता, जब वहां पहुंचेंगे तब देखा जाएगा, अभी 98 नंबर पे ध्यान दो। इसके बाद अगली बात ये है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त अलर्ट रहना, फिर से क्वेश्चन पढ़ते वक्त अलर्ट रहना, मार्क्स क्वेश्चन के मिलते हैं आंसर्स के नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क्स क्वेश्चन के मिलते हैं आंसर्स के नहीं। आप क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, आंसर लिखना स्टार्ट कर, देखिए आंसर के नंबर है, नहीं पहले देखो तो क्या पूछा है। जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है नॉट, डोंट, और ये वर्ड हमसे छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपसे नॉट छूट गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत आंसर लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट शो आइसोमेरिज्म, आपने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोमेरिज्म, है ना, डोंट नॉट ये सब छूटता है और आप एकदम आप तो हड़बड़ी में कि हाँ लिखते जा रहे तो आता आता है। तो क्वेश्चन तुम्हारे मार्क्स हैं, आंसर मार्क्स नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होता है कि ये चीज हुई, लास्ट मिनट फुल स्टॉप लगा के वाई हाउ एक्सप्लेन, और आपने वो जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं। कई बार होता है घर आके इसका सेकेंड पार्ट आता था यार शिट पढ़ा नहीं मैंने, तो अलर्ट रहो क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्योंकि क्वेश्चन के ही नंबर है। इसके बाद आता है कि आंसर्स कैसे लिखें, कितने लंबे लिखें, तो देखो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेंथ ऑफ आंसर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। अब मान लो कोई एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें पूरा लिखना थोड़ी ना बैठ के ढेर सारा, उसमें छोटा सा ही आंसर लिखना है। कोई पांच नंबर का क्वेश्चन है डेफिनेटली उसमें लंबा आंसर लिखो, उसमें डायग्राम्स बनाओ, उसमें ग्राफ बनाओ साइंस वाइंस के पेपर में, है ना। अब जैसे क्या होता है, कई जगह पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस, एक नंबर का है, अब बच्चा बैठ के पूरा पोथी लिख रहा है उसमें, जब एग्जामिनर कह रहा है तुम्हें क्या दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो लिखो ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ये केमिकल इस केमिकल से मिला, तो अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ कि ब्लू कलर दिखा, रेडिश ब्राउन गैस दिखी, खत्म। अब ये नहीं बताना है कि ये रिएक्शन हुआ, ये इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है इसकी वजह से, नहीं, एक नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बता दिया, है ना। कई बार वो एक वर्ड ही चाहिए होता है एग्जामिनर को, आप बैठ के पोथी लिख देते हो एक एक नंबर में। अच्छा, इससे होता क्या है कि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन में खूब टाइम वेस्ट करते हो, ये लंबे लंबे आंसर पेपर जब मिलता है ना शुरू शुरू में, और जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमको लगता है बहुत बढ़िया लिखेंगे, पहला क्वेश्चन एक नंबर का लिखे जा रहे हैं चार पांच लाइन, दूसरा एक नंबर का, चार ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, इस तरह करते करते आपने सेक्शन ए में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, है ना, छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के सवाल थे, फिर सेक्शन बी में जब ज़्यादा ज़्यादा नंबर के सवाल आए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा, है ना। तो आंसर्स लिखने से पहले अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना माइंड मैप बना के रखना, क्या चीज़, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना माइंड मैप बना के लिखना रखना एग्जाम आंसर्स लिखने से पहले, कि मेरे को सेक्शन ए इतने टाइम में ख़त्म करना है, सेक्शन बी इतने टाइम में ख़त्म करना है, सेक्शन सी, और उस पर स्टिक करना, है ना। तो लेंथ ऑफ आंसर्स में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप ये नहीं कि सेक्शन ए के आंसर्स लंबे 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 लिखे जा रहे हो एक एक नंबर के, और लास्ट में आपके पास सेक्शन बी सेक्शन सी के तीन तीन नंबर या पांच पांच नंबर के क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचा है, उसको आप खींच रहे हो तीन तीन लाइन में। जब एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसको एक लाइन दो लाइन में खत्म करो, एक वर्ड दो वर्ड में खत्म करो भाई, एग्जामिनर्स के पास भी 60-70 कॉपी रहती है चेक करने के लिए। अब सोचो एक एक नंबर क्वेश्चन पांच पांच लाइन लिखे, उसको लगा क्या यार हर चीज़ में इसने गाथा लिख रखी, कौन चेक करेगा यार, कहाँ इसमें मेन वर्ड कहाँ है मेरा, है नहीं है, काट दिया खत्म। उसको ढूंढना पड़ेगा अपना कीवर्ड तुम्हारे आंसर के अंदर, एक एक नंबर क्वेश्चन में दो दो नंबर क्वेश्चन में कीवर्ड के नंबर होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स के नंबर होते हैं, जार्गन्स के नंबर होते हैं, कि ये चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है, उसी को ढूंढते हैं। आप तीन तीन लाइन लिख दे रहे हो, फिर बाद में पहुंचा वो, उसने कहा सेक्शन बी आया, अच्छा अब तो इसने अच्छे अच्छे आंसर लिखे, अरे सेक्शन बी में तुमने दो दो लाइन के आंसर लिखे हैं, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा था। तो अपना माइंड मैप पहले ही बना लेना आंसर लिखने स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे को ये सेक्शन इतने टाइम में खत्म करना है, ये सेक्शन इतने टाइम में, और उसी के हिसाब से आंसर लिखना। लेंथ ऑफ आंसर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। जैसे मैं पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करता था पेपर का, या सेक्शन सी जहां पे ज्यादा नंबर होते थे, क्योंकि मुझे पता है वहां बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, और लास्ट में जब मेरे पास टाइम कम बचेगा तो डेफिनेटली मैं सेक्शन ए के आंसर्स छोटे छोटे लिखूंगा, डेफिनेटली एक नंबर में फिर मैं छोटे छोटे आंसर लिखूंगा, पहले मैं बड़े बड़े आंसर्स लिख लूँ एकदम दिल से, शुरू शुरू में एनर्जी ज़्यादा रहती है ना एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओ, बाद में इंसान थक जाता है ना एक डेढ़ घंटे बाद। तो आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती थी कि पहले सेक्शन बी या सेक्शन सी जिसमें ज़्यादा नंबर है पहले मैं उसको करता था,
कि उसमें ज़्यादा नंबर मिला उसमें बड़े बड़े आंसर्स खूबसूरती से लिखूंगा। बाद में सेक्शन ए में खींच खींच के लिख दिया, चल भी जाएगा यार, एक एक नंबर मैंने खींच खींच के लिख भी दिया, चल जाएगा। पर वहां मैं तीन तीन चार चार नंबर क्वेश्चन को छोटा छोटा लिखूंगा तो नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। आपको क्या रहता है, एक नंबर क्वेश्चन भी लिखे जा रहे पोता है ना। वहां पे कीवर्ड्स जोड़ो, जार्गन्स जोड़ो कि किससे नंबर मिलने वाले हैं। आता है ठीक है वरना छोड़ दो, आता है ठीक है वरना छोड़ दो। इसे एक नंबर के लिए बैठे हैं सोच रहे हैं काश याद आ जाए काश, और उधर वो पांच नंबर का सवाल तुम्हारा वेट कर रहा है, इधर सोच रहे याद आ जाए उसी भी लिखे जा रहे हैं, चलो ये लाइन भी लिख देते हैं नंबर, ये लाइन भी लिख देते हैं। एक नंबर के चक्कर में उधर तुमने पांच नंबर का नुकसान किया। और ऐसे ही बच्चों का पेपर छूटता है, बहुत रिग्रेट होगा। तुम्हें 95 नंबर का पेपर आता था पर शुरुआत के तीन चार क्वेश्चन के लिए, चार पांच नंबर के लिए, शुरुआत में एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन के लिए तुमने पूरा पेपर खराब कर दिया। कई बच्चों का होता है कि सर लास्ट में वो पांच नंबर क्वेश्चन छूट गया, क्यों? क्योंकि एक नंबर में हमने ज्यादा समय लगा दिया। तो अपना माइंड मैप अच्छा बना लो, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो कि सेक्शन ए इतने टाइम में खत्म करना है, सेक्शन बी इतने, सेक्शन सी इतने। अपने हाथ में घड़ी पहन के जरूर जाना और एकदम डेफिनेट रहना कि सेक्शन ए इतने टाइम में मुझे खत्म करना है। अब वो आपकी मर्जी, आप सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करते हो कि सेक्शन ए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेंथ ऑफ आंसर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। जब पूछा है कि क्या ऑब्जर्व हुआ है, जब पूछा है नेम तो नेम ही लिख के आना है, डिस्क्राइब नहीं करना है। एग्जामिनेशन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतना ढेर सारा क्यों लिख रखा है। क्लियर हुई बात? स्मार्ट तरीके से पेपर दोगे तभी तो नंबर मिलेंगे। पहले कोशिश करो कि अपने बड़े बड़े आंसर लिख लो ना, शुरू में एनर्जी ज्यादा रहती है, दिल से लिख लो, बाद में एक एक नंबर वाले। और कभी भी बैठ के ज्यादा देर सोचा मत करो कि ये आ रहा आ रहा आ रहा, लिखना स्टार्ट करो। जब पेन चलता है ना तो अपने आप अंदर से इन्फॉर्मेशन आती है, जितनी देर सोचोगे ना बैठ के काम नहीं होगा। मैं भी बैठ के अगर सोचूं कि ये करूं, ये वीडियो बनाऊं, ये पढ़ाऊं, नहीं हो पाएगा। जब मैं अपना पेन चलाना स्टार्ट करता हूं, पढ़ना स्टार्ट करता हूं, अपने आप वीडियो बन जाता है। तो पेन चलाओ एग्जामिनेशन में, ठीक। इसके बाद अगली बात ये हुई कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने पास एक छोटी सी पानी की बोतल लेके जाना। साइंटिफिक रीजन है, हमारा ब्रेन 73% वाटर है। आई रिपीट, हमारा ब्रेन 73% वाटर है। तो पानी की बोतल लेके जाना, बीच में थोड़ी थोड़ी सिप लेते रहना, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ब्रेन हाइड्रेटेड रहेगा, बढ़िया काम करेगा। अगर पॉसिबल हो तो छोटा सा 4 रुपए का 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट लेके जाना, एक दो बिस्किट भी खा लेना, एनर्जी आएगी, नए आइडियाज आएंगे। कोई चीज ब्लॉक्ड अप है, नहीं याद आ रही, तो हो सकता हो याद भी आ जाए, ठीक। तो वाटर और ग्लूकोज बिस्किट बढ़िया एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वाटर तो लेके ही जाना, वाटर बॉटल, ठीक है। इसके बाद आता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर अटके ईगो पे ले लिए, तो ये चीज नहीं करनी है एकदम, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है कि ये तो मेरा बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसको तो मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं। अभी आप बैटल लड़ने आए हो, अभी आप ऐसे अपने ईगो पे छोटी छोटी चीज नहीं ले सकते। पूरा पेपर आपका वेट कर रहा है, नहीं आता है तो जो बड़े कहते हैं छोड़ दो, जो बड़े लोग कहते हैं नहीं आता है छोड़ दो। अच्छा, हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, बाद में याद भी आ जाता है, अभी छोड़ दो, जल्दी से आगे बढ़ो। थोड़ी देर बाद आके सोचोगे, नए सिरे से सोचने लगोगे आप। अब जैसे मैथ्स में कोई न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, आप पहली बार नहीं कर पाए, केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक कन्वर्जन है, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आके सोचोगे ना, माइंड नए डायमेंशन सोचेगा। जब उसी टाइम सोच रहे हो तो माइंड एक ही तरफ चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, इसे होना चाहिए, ऐसे पढ़ा था। थोड़ी देर बाद कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद जब वापस लौट के आए, अरे यार ये मैंने ऐसे सोचा ही नहीं है, तो इस तरफ से होना था, इसमें तो ये वाला लॉ लगना ही नहीं था, ये वाला लॉ लगना था, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगना था। माइंड फ्रेश हो जाता है, तो उस टाइम पर डेफिनेटली छोड़ दो, पर बाद में लौट कर जरूर आओ। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवाइज योर पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या होते हैं, पेपर एकदम लास्ट मिनट पे खत्म किया और ले जाके जमा कर दिए। अब तुमको हम बताते हैं क्यों रिवीजन जरूरी है। मान लो तुम्हारे किसी भाई बहन दोस्त यार की शादी है और तुम तैयार हुए, बढ़िया तुमने सूट वूट पहना, बढ़िया चेहरे पे पाउडर वाउडर लगाया, बढ़िया एकदम सेंट वेंट डाल के तैयार। अब क्या तुम चले जाओगे खटाक से? अब तुम जाओगे शीशे के सामने देखने, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। सोचो तुम बढ़िया से तैयार हुए थे, यहाँ पाउडर का एकदम बड़ा सा स्पॉट बचा हुआ हो, तुमने जो सूट पहना था पीछे से वो फटा हुआ हो। एग्जैक्टली, तुम्हें लग रहा है सब सही है बट तुमने रिवाइज नहीं किया है। तुम तो जल्दबाजी में सब लिख के लीजिए सर दे दिया है, और तुमने सारी मेहनत खराब कर दी। हो सकता हो बीच में स्पॉट होल्स हो जो तुम्हें अच्छे से पता हो कि तुम सही कर सकते थे, बट कहीं मिस्टेक हो गया हो, कहीं कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो। कई बार होता है क्वेश्चन 3 के बाद सीधा क्वेश्चन 4 कर दिया, अरे क्वेश्चन 5 कर दिया, 4 छूट गया बीच में। इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन में अपनी कैलकुलेशन भी चेक करो। जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग के पास जैसे मान लो 385 माइनस 25 को 370 लिख गए। अब रिवीजन में जब आओगे तो ये नहीं कि इसको पढ़ लिया, इसको कैलकुलेट करो, पढ़ोगे तो वापस 370 फिर सही लगता है। वो दिमाग उस टाइम ऐसे ही पागल हो जाता है, 385 माइनस 25 370, हाँ सही है, उसको फिर से कैलकुलेट करो। तो जहाँ पे भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो उनको रिवीजन के टाइम फिर से
चेक करो, रिवीजन करने से डेफिनेटली तुम्हारे नंबर 6 से 7 नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। कई जगह आपको दिखेगा कि ये वर्ड मैंने आंसर में छोड़ दिया, ये भी लिखना चाहिए, इस वर्ड को मैंने गलत जगह पे प्लेस किया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, ये पार्ट मेरा रह गया, है ना, या कोई सिली मिस्टेक्स रह गई और उसके चक्कर में 10-12 नंबर आपके रह जाते हैं। सो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था। तो जाओ एग्ज़ाम में फोड़ कर आओ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।